वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल ना गरबा ग्राउंड पर पहुंचा सचिन संघवी। सचिन संघवी ने जोवा खेलैयाओ ना टोळा उमटी पड्या हता। शहर मने खूब ज गमे छे, अहींना लोको संस्कृति साथे जोड़ायेला छे। बरोडा ने सैल्यूट छे, आ निवेदन आप्युं हतुं सचिन संघवीए। एटलुं ज नहीं परंतु तमने मीडिया समक्ष पोताना नवीन गरबा ना सुर गाया हता। बहुत अच्छा लग रहा है, कारण के बरोड़ा एनी जगह मारा हृदय में खूब खास है। अने एनु कारण ये कि आ खूब ज कला प्रेमी शहर है। कायम मने एवं लगे कि जे पण अमारा प्रयास होय छे गुजराती मीडिया में एंटरटेनमेंट में कंईक नवं जुदू करवानो, हमेशा अहींथी प्रतिसाद मळतो होय छे। अने एक साथे आटली मोटी तादाद में आटलू भव्य आयोजन करवू, दैट्स नॉट अ जोक। वडोदरा नवरात्रि फेस्टिवल ने मारा हृदयपूर्वक खूब बड़ा अभिनंदन, एंड आई होप दैट दिस ग्रुप एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड ग्रोज बिगर फ्रॉम एवरी ईयर टू ईयर। मैं शहर बहुज वालू है, अहियाना यूथ ने जे पोताना कल्चर साथ पोताना ट्रेडिशन साथ हजू पण जे संकळाया रह्या छे, अने एक रीते आपणा संस्कृतिनी धरोहर आटला यंग खब्बाओ थकी जे वहती आवी छे अने जे वहती रहे छे, आई थिंक बरोड़ा ने एक सल्यूट छे। आ वर्षे एक गरबो रिलीज कर्यो छे के धीमे धीमे चालो पूनम नी रात छे, केवी जे आजे मनडानी वात छे। तो मनडानी वात एटली छे કે તમે ઓસમ છો બરોડા અને ઓસમ જ રહેજો। ગુજરાતી ફિલ્મોના સંગીત ગાયક અને મ્યુઝિક ડિરેક્ટર સચિન સંઘવી ગરબાનગરી વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા। યુનાઇટેડ વે ગરબા ગ્રાઉન્ડ ઉપર પહોંચ્યા હતા સચિન સંઘવી। વડોદરાના ગરબા ચાહકો માટે ગીત ગાઈને ખેલૈયાઓને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા। વડોદરાના સંગીત ચાહકો માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। ઓ